अनलॉक 5 के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन जारी हो चुकी हैं। सरकार की ओर से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्पोर्ट्स पर्सन की ट्रेनिंग के साथ साथ खेलों को भी छूट दी गई है। इससे जहां खिलाड़ियों में खुशी का माहौल है, वहीं खेलों के आयोजन भी शुरू हो गए हैं। अनलॉक 5 के तहत पानीपत के जलालपुर गांव में 2 दिवसीय महिला नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत की गई। इस आयोजन में हरियाणा, यूपी, राजस्थान और दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों के अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। अंतर्राष्ट्रीय खेल टूर्नामेंट के बारे में जानकारी देते हुए वॉलीबॉल कोच विजेंदर सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के बाद पहली बार कोई टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। कोविड के चलते खिलाड़ी काफी परेशान थे और उनका अभ्यास नहीं हो पा रहा था। अनलॉक के तुरंत बाद ग्रामीण आंचल के लोगों में उत्साह का माहौल है। यहां वॉलीबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें विभिन्न राज्यों की 28 टीमें भाग ले रही हैं। टूर्नामेंट 2 दिवसीय है। देर शाम तक चले मुकाबलों में पहले ही दिन खिलाड़ी पूजा, शिवानी और समीक्षा ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि लॉकडाउन के चलते वे घर बैठे थे, लेकिन अब उन्हें दोबारा अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है। हालांकि कोरोना का डर अब भी बना हुआ है, हमें इस महामारी से पूरी तरह निजात नहीं मिला है, लेकिन डिस्टेंसिंग व सुरक्षा उपायों के साथ वे अपना खेल खेल रहे हैं। सिंह है, हम गोरखपुर से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे टूर्नामेंट बहुत अच्छी तरीके से करवाया जा रहा है। यहाँ पे फैसिलिटी भी बहुत ज़्यादा है और गर्ल्स की सेफ्टी के लिए भी कुछ ज़्यादा है। और ये लॉकडाउन का हमारा पहला टूर्नामेंट है जो हम खेलने आए हैं, और गोरखपुर से आए हैं, काफ़ी दूर से मतलब आए हैं, और हमें उम्मीद है कि हम यहाँ से प्लेस ले जा सकते हैं क्योंकि हमारी टीम काफ़ी अच्छी है। अपने बारे में और कहाँ कहाँ हम 3 नेशनल खेले हैं, महाराष्ट्र में खेले हैं, आंध्र प्रदेश में खेले हैं, और तीसरा भी नेशनल भी आंध्र प्रदेश में ही हुआ था। तीनों नेशनल खेले हैं और तीनों में प्लेस है, किसी में 3rd प्लेस है और किसी में 1st प्लेस है। हमें अच्छा लग रहा है कि इतने दिनों बाद टूर्नामेंट हो रही है थोड़ा, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है कि इतने दिन बाद हुई है। कोविड से थोड़ा सा बैग की थोड़ा सबसे दूर रहना है, इसलिए मेरा नाम पूजा है और मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। हाँ, इंतजाम अच्छा है। कोविड-19 के आने के बाद हमारी पहली बार ये टूर्नामेंट की जा रही है, जिससे हमें बहुत खुशी हुई। बिना टूर्नामेंट के हमारे जो एक्सपीरियंस था वो सभी रुक गया था। आगे हम खेलने के लिए खेल भी नहीं पा रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, उसका भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। अब जाके ये टूर्नामेंट हुई है तो हमें बहुत फ़ायदा होगा, इससे कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत कुछ आगे बढ़ने की भी प्रेरणा मिलेगी हमें। तो आपका खुद की, आपके यहाँ खुद की टीम है? हाँ, खुद की टीम है। नवज्योति मॉडल स्कूल जलालपुर, 1st पानीपत की हमारी टीम है, प्रॉपर यहीं की। तो आपका मैच हो गया? हाँ जी, एक मैच जीत गए वो मैच। हाँ जी, शिवानी। मेरा नाम जीत है, मैं चोरकर से टीम की तरफ से खेल रही हूँ। कोरोना के बाद बहुत दिनों बाद खेले, आज बहुत अच्छा लग रहा है, उत्साहित है सब बच्चे। इतने दिनों बाद टूर्नामेंट हो रही है, लेकिन कहीं कहीं कोरोना का भी डर रहा है कि कोरोना, अभी भी कोरोना का थोड़ा डर है लोगों के मन में, लेकिन टूर्नामेंट को लेकर बहुत उत्साहित हम। क्या खेलते हैं? नेशनल लेवल पर खेलती हूँ। सर, मेरा नाम रिंकू, मैं भिवानी की टीम से खेल रही हूँ, और यहाँ जहाँ कोरोना के बाद यहाँ पे कई दिनों बाद मैच हुआ तो बहुत अच्छा लगा। वॉलीबॉल में कहाँ तक खेले हैं आप? नेशनल लेवल तक खेले हूँ। तैयारी को लेकर क्या कहेंगे? अब तो लॉकडाउन में बहुत कम फर्क हुआ है तैयारी में, लेकिन अब ऐसे लॉकडाउन खुलने के बाद बहुत ज़्यादा तैयारी होगी इसमें वॉलीबॉल में। बच्चे परेशान हो गए थे काफ़ी समय से, एक थोड़ा कोविड-19 का हम भी नियमों का रख कर मैच करा रहे जा रहे हैं, ये बच्चे भी काफ़ी परेशान थे, तो हमने सोचा थोड़ा सा मनोरंजन के लिए थोड़ा नियमों का पालन करते हुए ये टूर्नामेंट कराई जाए। सर, इसमें लगभग 28 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। कितने दिन तक चलेगा सर ये? 2 दिन का टूर्नामेंट है जी। नेशनल लेवल के प्लेयर क्या? काफ़ी नेशनल लेवल के प्लेयर हैं इसमें, सीनियर के भी, जूनियर के भी, सब जूनियर भी हैं,
और इधर अपने यूपी से, राजस्थान से, दिल्ली से टीमें आई हुई हैं। नाम बताएं सर। अमरजिंदर सिंह।